मेरी जिंदगी में अजनबी का इंतजार है। अच्छा वो तो गरम गरम नोट बाद ले लो, सवास इनको भी करो दी नमस्ते। सबको अंकल आंटी बोल रहे सारे पता है, अभी थोड़ा टाइम है लेकिन फिर भी आने वाले हैं, तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ। इधर मोर खाएगी गोदी सड़ा सा चल। तो दोस्तों खुशी की बात ये है कि हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात आप सभी को। मेरा प्रणाम है और मेरे छोटों को जी भोरी आशीर्वाद, सदा खुश रहो, सदा सुहागिन रहो। दोस्तों स्वागत है आप लोगों का मेरे आज के न्यू व्लॉग में। आज के व्लॉगिंग की स्टार्टिंग कर रही हूँ अपने ही रूम से। टाइम हो चुका है 11:55, 12 बजने के लिए 5 मिनट से, और मैंने अभी तक नहाया नहीं। मैं नहाने जा रही थी तो मुझे याद आया कि मैंने व्लॉगिंग की स्टार्टिंग नहीं की है, तो जेठानी जी तो अपना काम कर रही होंगी, तो मैंने सोचा यार कि जब तक मैं नहाने जाऊँगी तब तक दाल भी उज जाएगी। मैं रख रही हूँ दाल उजाने, घरिया दाल बनानी है, सासू माँ ने बोला। और आप लोग काफ़ी दिन से बोल रहे थे कि जब मैं फाड़ू चैसू बनाती थी तो आप लोग बोलते थे कि लोहे की कढ़ाई में बनाओ, तो आज सासू माँ ने लोहे की कढ़ाई भी खरीद ली। देखो कर दे सासू माँ, तो सासू माँ ने ले ली लोहे की कढ़ाई, और सासू माँ बता रहे ये आया 250 का, और कुछ भी लिया उन्होंने शायद, और क्या लिया तुम लोग, चूल्हा लिया कब्जा कब्जो। अच्छा हाँ ये रहा चूल्हा भी लिया, और ये बता रहे सासू माँ कि ये भी 250 का। ये देखो बोल रहे थे कि अब तो इसमें कि मेरे लिए क्वादा की रोटी बनाएंगे। मैंने कहा अच्छा, तो सासू माँ बाहर बैठे हैं और मैं दाल उजाने रख देती हूँ, गैस बंद वो कर देंगे, मैं तब तक नहा के आ जाऊंगी झट से। कितने दिन हो गए मैंने बाल ही नहीं धुले, बाल ना अजीब से हो रहे, मेरा मन भी नहीं कर रहा था। ना ना कोई बात नहीं, मैं डाल दूँ तब तुम देख लिया। चले ये किल राजमा, हाँ ये किल रेयास, हाँ ये किल कायर दाल, पता नहीं कौन वाला उजे का ही पता चलू। और ये है घरिया दाल, इसमें बहुत सारी मिक्स दाल है, पता नहीं क्या क्या है, तो ये मैं आज बना रही हूँ। उजाने रख देती पहले धो के, है ना। और देखिए 120 रुपये में लू ली, क्या 120 रुपये में कायर दाल है, 120 रुपये राजमा ले आए, 80 रुपये को रेयास लेना, 350 घूमसा ये बजा लग मिल 200 में, और 150-500 चूल्हा घूमसा तो 150 में 500 मनु चुचु ना कान खांड लगी बोल अतब वो तो ये तो दिवनी पोड। तो दोस्तों देख रहे कैसे बार्गेनिंग करनी पड़ती है। हाँ अच्छा तो ये लाए साथ में मार रयास, इन्हें रयास हिंदी में पता नहीं क्या बोलते होंगे, पर इन्हें गढ़वाली में रयास बोलते हैं। झलिंग बुदी ना, झलिंग आई झलिंग बुदी, सुन लो दोस्तों झलिंग बोलते हैं, बल मेरे को तो नहीं पता भाई। तो दोस्तों आप लोग देख रहे हो मैंने इसमें दाल भी डाल दी है, थोड़ा सा तेल डाल दिया है, और टमाटर और मिर्ची काट के डाल दी, ताकि बाद में ना जब मैं छौंका मारती हूँ तो ये पकने में बहुत टाइम लगता है, तो इससे अच्छा अभी वो पक जाती है मस्त। और सासू माँ मजा रही है कढ़ाई को, जो अभी नए नए लाए उनको देने को मजा आती है, बस चकाचक हो गई ना। तो दोस्तों मैंने दाल रख दी है उजाने, दिखा दिया मैंने आपको, दिखाना क्या है बता दिया, यकीन कर ही लोगे, है ना। तो मैं अब झट 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 नहा के आती हूँ, और आप लोगों को खुशखबरी भी तो देनी है, वैसे तो आप थंबनेल देख के समझ गए होंगे, लेकिन मैं अपने मुंह से बोलूँगी तो मेरे को ज़्यादा अच्छा लगेगा, ज़्यादा खुशी होली मित है, तो मिल ना को जाऊँ यार, तब मिलो में तुम तो ठीक से बना रहे, इन्हें उन्हें खस गया ना, तो मैं टांगड़ा खींच कर ले रही, तुम्हारा खड़खड़ 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 सच में यार, तो मैं बोलूँ सारा पता नहीं क्योंकि बुनेरा ने सिमो ना। मैंने जो गढ़वाली नहीं समझते उन्हें बताओ, मैंने बोला कि अगर मेरे व्यूअर्स इधर उधर कहीं भागे तो मैं उनकी टांगे खींच के ले आऊंगी, बैठो और देखो। मैं बोलती हूँ थोड़ी देर में, तब तक बने रहो ठीक है, मैं नहा के आती हूँ यार, बहुत ठंडा हो रहा है। बहुत हिम्मत करी मैंने 2 दिन से नहा नहीं ले, बहुत ज़्यादा हिम्मत, अब नहाना ही पड़ेगा मेरे को, मिलती हूँ बने रहो। फाइनली दगड़ियों मैं दोस्तों नहा के आ चुकी हूँ, और जा रही हूँ मैं कपड़े घमाने छत पे, आज छत का लुक भी दिखाती हूँ, काफ़ी टाइम हो गया छत में दिखाया मैंने आपको, तो ये कपड़ों की बाल्टी मैंने आधे में ही रख लिया, चलो चलते हैं छत पे। वाह छत में आहा, वो बादल कितने सुंदर लग रहे हैं, सासू माँ के कपड़े वाह 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 कितने अच्छे, बहुत अच्छा लग रहा है छत पे आके, माँ का समय छत पे आके मन खुश हो गया। आहा
आजकल तो धूप ही चाहिए होती है ना। और ये नहीं मेरे कपड़ों की बाल्टी, मैं कपड़े घमाती हूँ फिर मिलती हूँ, है ना। आप मेरे साथ बने रहो, इधर उधर गए ना तो कोई बात नहीं, वापस आ जाना। तो दोस्तों फाइनली कपड़े कुपड़े तो मैंने सुखा दिए हैं और अब चलते हैं नीचे। ओ तो चावल साथ में आने रख दिए हैं, मतलब भात बन गया है और अब मैं दाल का छौंका लगा देती हूँ। उजिया ने तो पहले रख दी थी ना, तो चलो मिलती हूँ आपको सीधा खाने पे। दोस्तों फाइनली खाना खुना बन चुका है और लगा दिया सारा खाना, बस अब खाने की तैयारी है। माल्टे भी काट दिया। क्यों ना सासू में तुम रोड बना पर रोड खाने का मजा पांडे को दिया मैं। तो दोस्तों फाइनली खाना खा लिया और मेरे लदड़े हो गए डम और मैं थोड़ा सा, अब मेरा शरीर मांगता है आराम। और मैं मिलूंगी आपको शाम के टाइम पे, मैं जाऊंगी बाजार तो आपसे मिलूंगी। और सासू माँ पता नहीं कहाँ रेंग रहे हैं, तो मैं थोड़ा सो रही, मेरा शरीर मांग रहा है आराम, तो आप मेरे साथ बने रहना ठीक है दोस्तों। मिस यूनुस जी पर तुम बने रहे मेरे घर, इन्हें उन्हें जाएला तो कोई बात नहीं, नहीं जाया। मिलती हूँ शाम को, शाम को जाऊँगी शॉपिंग करने, आप लोग बने रहो। तो दोस्तों टाइम हो चुका है, शाम के बज चुके हैं 5:30 और अब मैं काजू को ही लेके जाऊंगी अपने साथ। काजू फिलहाल काम कर रही है अपना, तो मैं वेट कर रही हूँ इसका काम जल्दी से ख़त्म हो और मैं जाऊँ चूड़ियाँ लेने। तो दोस्तों खुशी की बात ये है कि मुझे बहुत शर्म आ रही कि कोई आने वाले हैं। आप लोग कमेंट करके बताओगे कि कौन आने वाले हैं और मैं किन के लिए ये शॉपिंग मैं स्पेशली उनके लिए ही कर रही हूँ। और कुछ नहीं, आप कमेंट करके बताओगे कौन आने वाले हैं, ठीक है। मैं देखिए सही बता रही कि नहीं बता रही, तो मैं हम जाते हैं, ये फिलहाल अभी कुछ कर रही है। दोस्तों मैं बाहर आ चुकी हूँ और काजू निकाल रही है स्कूटी और कुछ बच्चे आ चुके हैं, ये रहे छोटे छोटे बच्चे। नमस्ते करो सबके साथ, खुश रहो खुश रहो खुश रहो, आशीर्वाद ले लो सवास, इनको भी करो दी नमस्ते। सबको अंकल आंटी बोल रहे, सारे अंकल आंटी है। बच्चे खुश हो गए। अबे तू भी बोल यार, बोल, तेरे दांत बड़े सुंदर है यार। जाओ हाँ घूम के आओ सवास। और हमारे उधर पे ना बहुत सारे फूल खिले हैं, देखो उधर बहुत तरह तरह के फूल खिले हैं, तरह तरह के, एक ही तरह के खिला है गेंदा पर एक। वो बोलने वाली बात होती है यार, बोलने में आगे सवास निकाल लो। डर 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 तो हम जा रहे हैं, आप लोग हमारे साथ चलो। कर 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 तो हम आज फिर आ चुके हैं एटीएम में, आप लोग देख सकते हो। और आज देखते हैं पैसे सट से निकलेंगे कि वैसे, पता मैं सोच रही कहीं ये एक्सेस देखे लोग तो नंबर निकाल तो नहीं लेंगे। सटासट चल पैसे निकाल निकाल, जल्दी निकाल। अबे जल्दी निकाल मेरे पैसे जल्दी, और जल्दी फटाफट फटाफट निकाल, मैंने कहा मेरे पैसे निकाल। अबे निकाल ना है। अच्छा दोस्तों गरम गरम नोट घर से निकले, मैंने सोचा काजू मेरे से छीन रही।
के जस्ट बगल में हमें दुकान भी मिल गई है शीशे वाली, देखो चलते हैं। हाँ नहीं मिली, मैं उल्टे पांव बाहर आ गई। तो दोस्तों हम सामान लेने जाने ही वाले थे, बड़े हम आराम से चले, हाँ जाने ही वाले थे कि मतलब सामान लेने अपने चूड़ी वगैरह जो था, तब तक जेठ जी का फोन आ गया कि बैंक से कुछ कागज थे ना वो देने थे और कि वो आज ही जमा करने थे हम दोनों को। अब सीधा हम घर जा रहे हैं, हमने अभी सामान नहीं लिया, तो अभी हम पहले बैंक का काम करते थे, उसके बाद हम अपने सामान के लिए देखते हैं, दोबारा आएंगे। घर पे कुछ डॉक्यूमेंट्स थे वो लेने और मैं बाहर पे इंतजार कर रही हूँ, मैं बाहर ही रहूँगी। फोटो खिंचाना जी क्या? नहीं नहीं तुम फोटो खिंचाना, कुछ खड़ा होएगा हाथ वाथ सटाइल से क्या? फाइनली दोस्तों हम पहुँच गए हर्रा वाला में, मैं और काज, ये हमारे कागज और हम जा रहे बैंक। ये रहा हर्रा वाला चौक। तो दोस्तों फाइनली हम SBI बैंक पहुँच चुके हैं। तो फाइनली हम बैंक में आए और बैंक में फोटोकॉपी वगैरह चाहिए थी कुछ कागजात की, तो वो रही काजू फोटोकॉपी करा रही, तब तक मैंने सोचा चूड़ियाँ ले लेती हूँ। तो मैं देख रही हूँ वेलवेट में, दीदी खुश हो रही तो मैं चूड़ियाँ देख रही हूँ फिलहाल, तब मिलती हूँ आपसे। तो दोस्तों फाइनली मैंने ले ली है चूड़ियाँ, ये है 2 दर्जन ले ली मैंने, अब देखेंगे पहनते हैं, जिस दिन पहनूंगा उस दिन दिखाऊंगा। यहाँ पे सजावट अच्छी लग रही है और काजू जा रहे बैंक में कागज जमा करने। तो ये है मेरा भुल्ला किशन, और पता क्या, मैं इधर आ रही थी उधर से काजू है, तो मोड़ से मैं इधर मेरे पीछे से आंखें बंद कर रहा, मैं एकदम से समझ गई, मुझे पता किशन ही रहता है इधर पे खड़ा, ये जब भी मैं जाती तब भी मिलता है मेरे को, ये मेरा भुल्ला है। हेलो गाइस, लाइक शेयर कमेंट। ओह माय गॉड, ठीक है मेरे से छोटा है, देखना कितना लंबा है। तो मैं आ रखी हूँ दुकान पे, दुकान का नाम क्या है, दुकान का नाम भूल गई मैं, दोस्तों आप याद रखना गुरु कृपा दुकान का नाम। और मैं आ रखी हूँ पेटीकोट लेने, और मैंने पूछा भैया और उसे कि पेटीकोट है कि गर्म या ठंडा, मैंने कहा गुनगुनू, गुनगुनू समझते हो ना, ना गर्म ना ठंडा, नॉर्मल। तो अभी देखते हैं कहाँ मिलता, मैं गुनगुनू। ये रहे मैरून कलर, यही चलेगा मेरा, गिनने वाली नहीं नहीं एक ही चाहिए, सारी चाहिए। तो हमने पेटीकोट ले लिया है और अब हम आए हैं मोमोज खाने, मोमोज खाने, क्या खाने का, मोमोज और स्प्रिंग रोल, नाक में दिखा रही हूँ मोमोज। तो दोस्तों फाइनली स्प्रिंग रोल आ गए, यहाँ के हम फर्स्ट टाइम चख रहे हैं, चख के दिखाती हूँ कैसा हो रहा है दोस्तों, तर पैना मजा आ रहा है, मसाला कम है ना, ठीक हो रहा दोस्तों, बढ़िया मजा आ रहा। ये मोमोज भी आ गया, मैं मोमोज चख के भी दिखाती हूँ कैसे हो रहा, ठीक है दगड़ो। उफ ये तो गर्म है यार, नहीं चखा जाएंगे, थोड़ी देर में चखती हूँ दगड़ो। उफ कनकांडा लगी, तो गर्म ही हो यार। ये रहे दोस्तों चख के दिखाती हूँ, मजा आ गया, लोग मुझे देखे क्या चटकारे ले लेगा। फाइनली दोस्तों टाइम हो चुका है 7:30 नहीं 7:45 हो गया और हम लोग घर में पहुंच चुके हैं, और ये काजू मैम ला रही है गाड़ी अंदर, तो चलो हम चलते हैं अंदर। तो दोस्तों फाइनली सारा सामान सब कुछ आ चुका है, अब फाइनली मेरी जिंदगी में अजनबी का इंतजार है, मैं क्या करूं, उस अजनबी से मुझे प्यार है। तो कुछ ऐसा हाल हो रहा है अब उनका। तो क्या कह रही थी मैं, कहाँ थी, अच्छा कोई आने वाला है, तो कोई आने वाला है, आप लोग कमेंट करके बताओ कि कौन आने वाला है, आप लोगों को सब पता है, अभी थोड़ा टाइम है लेकिन फिर भी आने वाला है, तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ। इधर मोर खाएगी गधेड़ी, हाँ तो देखो मैंने डरा दिया, अब डर के मारे मेरे सामने ऐसे करेगी, आ गया ये मुँह थे। तो मैं मिलती हूँ थोड़ी देर में। फाइनली दोस्तों ये हमने बनाया राइस, क्या बोलते हैं फ्राई राइस, ये दिन के बासी राइस फ्राई राइस हम खा रहे हैं बस। तो दोस्तों फाइनली खाना खुना बन चुका है, खाना खुना खाने की तैयारी मतलब हो चुकी है, आज का व्लॉग यहीं पे
एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और शेयर तो करना ही करना, उसका कोई वो नहीं है। मैं मिलूंगी आपको कल एक खूबसूरत व्लॉग के साथ, तब तक के लिए टाटा।